हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने जब पुलिस की टीम घमापुर स्थित उसके घर पहुंची, तो घर की तलाशी लेने पर मौके से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। घमापुर थाना प्रभारी चंद्रकांत झा के अनुसार हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी निहाल नायडू को थाना ओमती और बेलबाग पुलिस पकड़ने घमापुर थाने स्थित उसके घर पर पहुंची थी, जिनकी मदद करने घमापुर पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस ने जैसे ही आरोपी के घर की तलाशी ली तो मौके से 34 पेटी अवैध देसी शराब और विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ओमती थाने में गिरफ्तार कर ले जाया गया है, जहां उससे मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं घमापुर पुलिस ने अवैध शराब का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी का अन्य अनुभवी आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। क्या है पूरा मामला? ओमती थाना अंतर्गत धारा 307 का प्रकरण दर्ज हुआ था, और उस प्रकरण में जो फरार आरोपी था निहाल नायडू, उसकी तलाश में आज ओमती थाने की टीम और थाना बेलबाग की टीम उसकी तलाश में आई थी। उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि वो मेरे थाना क्षेत्र के भीतर है। मेरी टीम और मैं स्वयं उनके सहयोग के लिए उनकी तलाश में गया था, तो निहाल नायडू के घर में उसके कमरे की तलाशी ली गई, तो वहाँ पर हमें 34 पेटी शराब मिली, जिस पर हमने उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और मामले को अनुसंधान में लिया गया। आरोपी की आदतन अपराधी? हाँ, आरोपी के पूर्ववत अपराध हैं, इस थाने में भी हैं और अन्य थाना क्षेत्र में भी उसके विरुद्ध। लगभग कितने अपराध दर्ज होंगे आरोपी के ऊपर? किस तरह की? दो या तीन से ज़्यादा अपराध हैं उसके विरुद्ध,